नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक जारी। गठबंधन के संयोजक और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। आज 41 सांसदों को किया गया निलंबित। डिंपल यादव, दानिश अली, शशि थरूर सस्पेंड। आज बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। पीएम मोदी ने संसद में घुसपैठ पर जताई चिंता। कहा, लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों को संसद सुरक्षा चूक की आलोचना करनी चाहिए। दिल्ली में शिवराज सिंह ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बैठक के बाद बोले शिवराज, जो भी काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। औद्योगिक विकास, आईटी विभाग, नगर निगम, चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को पेश करने की खबर। निवेशकों के सेमीकंडक्टर नीति 2023 के मसौदे को लेकर चर्चा। चिकित्सा शिक्षा के मुताबिक एसजीपीआई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने पर प्रस्ताव। कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी के नगर निगम म्युनिसिपल ब्रांड लाने के संबंधी नगर निगम विकास विभाग का प्रस्ताव भी हो सकता है मंजूर। अट्ठाईस नवंबर को हुई थी पिछली कैबिनेट की बैठक। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को मिली थी मंजूरी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज की। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को दी मंजूरी। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिकाओं के सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। 8 अप्रैल 2021 के निर्देश को भी दी गई थी चुनौती। और क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से नया आदेश जारी। आदेश के अनुसार बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे कार्यक्रम। बिना अनुमति के कार्यक्रम करने के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने दी जानकारी। होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति। गाजियाबाद के नाम को लेकर एक बार फिर से शुरू हुआ बवाल। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने जिले का नाम दुधेश्वर नगर करने का पोस्टर लगाया। सभी बोर्ड पर गाजियाबाद की जगह दुधेश्वर नगर लिखा पैम्पलेट चिपकाया गया। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस। और जेल में बंद आजम खान की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तालाबंदी का खतरा मंडराया। आजम खान पर 450 करोड़ रुपए की काली कमाई, जौहर यूनिवर्सिटी में लगाने का आरोप। मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री रहे आजम खान। यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं होंगे शामिल। स्वास्थ्य और उम्र के कारण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने की दी गई जानकारी। दलाई लामा, अमिताभ बच्चन समेत कई जानी मानी हस्तियां हो सकती हैं शामिल।
देवरिया के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत 3 नगर पंचायतों को लेकर बड़ी खबर। तीनों नगर पंचायतों के द्वारा आरटीओ के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। लार नगर पंचायत और मझौली नगर पंचायत और सलेमपुर के दूसरे पखवाड़े में भी नगर पंचायत की गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं, गाड़ियों पर नंबर प्लेट न होने की वजह से हजारों रुपए के चालान कट रहे। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सांसदों ने शुरू किया हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। विपक्ष संसद में सुरक्षा में चूक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कर रहा कोशिश, गृहमंत्री से सदन में बयान को लेकर अड़ा विपक्ष। संसद के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा, 92 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्य सभापति जगदीप धनखड़ की उतारी नकल, सभापति ने दर्ज किया आपत्ति। दिल्ली से बड़ी खबर, राहुल गांधी से कई नेताओं की मुलाकात, सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी से मिले बीएसपी के कई नेता। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के बाद बीजेपी के संसदीय दल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को किया संबोधित, संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कुछ पार्टियां संसद में हुई घुसपैठ का समर्थन कर रही। पीएम मोदी ने कहा जो भी लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उन्हें इस सुरक्षा में सेंध का साझा तौर पर करनी चाहिए थी आलोचना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना असुर शक्तियों से करते हुए दिया बयान, कहा पीएम मोदी पर असुरी शक्तियां सवार, पीएम मोदी का अहंकार लोग देख रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे बिहार की कमान, बिहार की व्यवस्था चौपट। नित्यानंद बोले बिहार में विकास केंद्र की योजनाओं की वजह से हो रहा, राजनीति में नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं बचा। और राजस्थान फोन टैपिंग मामले पर सुनवाई, पूर्व सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई, जस्टिस विकास महाजन की सिंगल बेंच करेगी मामले की सुनवाई, लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक जारी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठक, दिल्ली में फिर से हो सकती है बड़ी बैठक। सीएम मोहन यादव बैठक में हो सकते हैं शामिल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो साझा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई, पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को रखा। और पाकिस्तान में आतंकियों का सुरक्षा बलों की टीम पर भीषण हमला, 2 सैनिकों की हुई मौत। आतंकवादियों ने अर्धसैनिक बलों की टीम पर की गोलीबारी, घटना में 2 सैनिकों की मौत। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में मंगलवार को आतंकवादियों ने अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर की एक टीम पर किया हमला। और चीन में आया 6.2 तीव्रता का भयानक भूकंप, मौतों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा, भूकंप ने मचाई बड़ी तबाही। अभी तक 116 लोगों की मौत की खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सर्च एंड रेस्क्यू को तेज करने के आदेश दिए।
भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल, घर और सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, बिजली और संचार की लाइनें ध्वस्त। लीबिया के समुद्र तट पर डूबा प्रवासियों से भरा जहाज, महिलाओं बच्चों समेत 61 लोगों की मौत की आशंका। दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर देने की खबर, कराची के अस्पताल में दाऊद को कराया गया था भर्ती, पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं। मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती, कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा दाऊद को जहर देकर मारने की गई कोशिश। सूत्रों के मुताबिक कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद, खबर की अभी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं, मामले की जांच को लेकर भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट। और भारत के पर्वतीय राज्यों में सुबह शाम गलन का एहसास, राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठंड। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ रही ठंड, बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों में बड़ी ठंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सुबह और शाम शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंडी हवाओं से लोग परेशान। यूपी में शुरू हुई पारे में गिरावट, पंजाब और हरियाणा में भी बड़ी ठंड, कई शहरों में घने कोहरे ने डाला डेरा। दुबई में आईपीएल 2024 के ऑक्शन की शुरुआत, पैट कमिंस ने रचा कीर्तिमान, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी। ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6.80 करोड़ रुपए में खरीदा, जल्द होगा आईपीएल का आगाज। हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा, स्टार बल्लेबाज करुण नायर और मनीष पांडे को नहीं मिला खरीदार। और बिग बॉस 17 के घर में बढ़ रही मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें, आयशा के आरोप के बाद नाजिला ने किया ब्रेकअप। लाइव वीडियो में रोते हुए मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप, मुनव्वर को बताया धोखेबाज। और एडवांस बुकिंग में डंकी और सलार के बीच दिख रही गजब की टक्कर, फैंस को फिल्म का जबरदस्त इंतजार। किस दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है डंकी, 22 दिसंबर प्रभास की फिल्म सलार सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।